हुमनाबाद शहर के बाहरी क्षेत्र नेशनल हाईवे पर रहे नूर ढाबा में रमजान का पूरा माह रोजदारों के लिए इफ्तार और सहर का इंतजाम किया जाता है। सोमवार को चुनावी कार्यक्रमों को कवर करने न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद के नेतृत्व में निकली टीम ने नूर ढाबे पर बड़ी संख्या में लोगों को देखा तो रोककर पता लगाया कि मामला क्या है। तब ढाबे के मालिक सैयद वजातुल्ला ने कहा कि पिछले 38 वर्षों से इस ढाबे पर रोजदारों के लिए इफ्तार और सहर का इंतजाम ढाबा द्वारा अल्लाह की राह में किया जाता है, जहां इस क्षेत्र से गुजरने वाले मुसाफिर इफ्तार या सहर कर सकते हैं। यह हाईवे पर ढाबा पिछले कई वर्षों से है जो यह एक परिवार चलाता है, जहां का खाना बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे में डॉक्टर मसूद ने देखा कि हैदराबाद से मुंबई और कलबुर्गी जाने वाले कोई भी मुसाफिर यहां पर समय होने पर इफ्तार या सहर कर सकता है। नूर ढाबा रोजेदार के लिए खाने पीने और नमाज की व्यवस्था कर रखा है। केपी न्यूज टीम ने नूर ढाबे पर इफ्तार और नमाज अदा करके बीदर रवाना हुई। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि अभी आप सभी हजरात जानते हैं कि यहाँ पे रमज़ान का महीना चल रहा है जी, अभी सभी लोगों के लिए जो है ना सहर का इंतज़ाम और इफ्तार का इंतज़ाम रहता है हमारी तरफ से। बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग जो है ना आते हैं यहाँ पे, मुसाफिरों के लिए ये एक सहूलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे वालिद के ज़माने से है। बहुत अच्छी खिदमत है ये रोज़दारों की, अल्लाह का शुक्र। ये तकरीबन 38 साल हो गए साहब, 38 सालों से ये है साहब। हमारे वालिद करते थे, हमारे बड़े भाई करे, अभी हम लोग कर रहे हैं जी। एक वक्त में कितने लोग? 150 आदमी रहते सर, और शहर में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 300 से 350 आदमी रहते सर जी। अल्लाह का शुक्र है, ये फीस अभी लीला जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला ने हमको ये मौका दिया, वरना तो ये मौका बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नसीब नहीं हुआ। क्या अदा पसंद आई अल्लाह ताला को, ये एक नेक काम हमसे ले रहे हैं अल्लाह ताला जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है ये। मेरा नाम सैयद अली मुल्ला है जी, नूर ढाबा के ओनर हूँ मैं जी।